मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर, जिसको डॉक्टर निमराज सुंडा जी ने लिखा है, आज हम उसका 10वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 10वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वेजिटेबल क्रॉप्स में आज से हम शुरू करने वाले हैं कोल क्रॉप के बारे में स्टडी करना, यानी कि गोभी वर्गीय जो फसलें होती हैं इनके बारे में स्टडी हम करेंगे। इसमें तीन क्रॉप, कुल मिला के 5 क्रॉप्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, लेकिन तीन वो 5 क्रॉप कौन कौन सी है, केल, स्प्राउटिंग ब्रोकली, चाइनीज कैबेज, कैबेज, नॉल खोल, कैलीफ्लावर। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कोल क्रॉप के अंदर आती हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोल क्रॉप है कैबेज, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैबेज जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं पात गोभी या पत्ता गोभी, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैबेज जो होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो कैबेज का जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलोरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। कौन सी वेराइटी, कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलोरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। इसकी जो फैमिली है क्रूसीफेरी है। कोल क्रॉप जितने भी आएंगी सबकी फैमिली क्रूसीफेरी ही होगी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है मेडिटेरेनियन रीजन है। ठीक, एक बार क्विक रिपीट कर देते हैं, कैबेज का जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलोरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। फैमिली इसकी है क्रूसीफेरी। ओरिजिन प्लेस इसका है मेडिटेरेनियन रीजन। कैबेज कवर 4% ऑफ टोटल एरिया अंडर वेजिटेबल्स, मतलब कि पूरे भारत में जितनी भी वेजिटेबल ग्रो की जाती है उसमें लगभग 4% एरिया केवल और केवल कैबेज का होता है। इंडिया रैंक सेकेंड इन कैबेज प्रोडक्शन। इंडिया का अगर पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कैबेज के प्रोडक्शन में, तो इंडिया का दूसरा स्थान है, जबकि अगर चाइना को देखें तो चाइना का कैबेज प्रोडक्शन में पहला स्थान है। हाइब्रिड जो कैबेज है वो लगभग 30% एरिया को पाई करती है, मतलब टोटल कैबेज जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें लगभग 30% एरिया जो होता है वो हाइब्रिड कैबेज का होता है। इसमें इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाइब्रिड कैबेज जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल का प्रोडक्शन देता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। इसकी जो कैबेज होता है, जो हेड होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा सा होता है। इट हैज़ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडोल 3 कार्बोनोल। इंडोल 3 कार्बोनोल पाया जाता है कैबेज की क्रॉप के अंदर, और इसकी प्रॉपर्टी होती है एंटी कैंसरस, यानी कि कैंसर की बीमारी में इंडोल 3 कार्बोनिल जो कैबेज में पाया जाता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंटी कैंसरस होता है, यानी कि कैंसर की बीमारी में काफ़ी लाभप्रद होता है। इसके जो फ्रूट का टाइप होता है सिलकुआ होता है। आपने मस्टर्ड का जो सीड देखा होगा, मस्टर्ड का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है अगर उसको देखा होगा, उसी टाइप का कैबेज में भी इन्फ्लोरोसेंस होता है। इसके फ्रूट का जो टाइप है बिल्कुल सरसों के सीड जैसा होता है, इसीलिए इसके सीड को भी सिलकुआ बोलते हैं। ये सिलकुआ होता है, देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है। क्या होता है कि पहले ऐसे ध्यान से समझना, ये होता है सीड, इसी के अंदर ढेर सारे ऐसे सीड होंगे। ठीक, अब बाद में क्या होगा कि जब हम इसको फाड़ेंगे तो ऐसे वो अलग हो जाएगा, इधर एक अलग हो जाएगा, एक इधर अलग हो जाएगा, और बीच में ऐसे अलग हो जाएगा। तो ये बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सीड इधर वाले, कुछ सीड इधर लगे होते हैं, तो इसी टाइप को हम बोलते हैं सिलकुआ। तो अगर आप लोगों ने मस्टर्ड का सीड देखा होगा तो आपको पता होगा उसका फ्रूट टाइप भी सिलकुआ ही होता है। राउंड हेड वेराइटी मैच्योर अर्लीस्ट फॉलोड बाई कॉनिकल वेराइटी। जो कॉनिकल वेराइटी होती हैं ये देर से पकती हैं, इनकी मैच्योरिटी देर से होती है, जबकि जो राउंड हेड वाली वेराइटी हैं जिनका जो हेड होता है बिल्कुल गोल गोल जैसा होता है सॉरी, ये जल्दी मैच्योर हो जाती है, यानी कि हार्वेस्टिंग इनकी जल्दी से कर ली जाती है। स्प्रेइंग 50 ppm बोरिक एसिड एट फ्लावरिंग इनहांस द सीड यील्ड। अगर हम 50 ppm बोरिक एसिड को स्प्रे कर देंगे फ्लावरिंग स्टेज में तो वो सीड यील्ड को इन्हांस कर देगा, यानी कि सीड यील्ड को बढ़ा देगा। कैबेज की क्रॉप में
अगर हम 50 ppm बोरिक एसिड का फ्लावरिंग के समय एप्लीकेशन कर देंगे तो इससे सीड का जो यील्ड है कैबेज की वो बढ़ जाता है। इसके बाद है सौरक्रात। ये क्या होता है, जो सौरक्रात है इसको कुछ लोग सुकरात पढ़ते हैं, कुछ लोग सौरक्रात पढ़ते हैं, जो भी पढ़ पाओ पढ़ लो, वैसे लिखा ये है सौरक्रात। तो ये क्या है, एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कैबेज से, और इसको यूज किस में करते हैं, स्कर्वी डिजीज़ की क्योरिंग के लिए। कोई अगर ह्यूमन बीइंग है उसको स्कर्वी डिजीज़ हो गई है, एक विटामिन की कमी से होता है, आप लोगों को बताना है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो अगर किसी को स्कर्वी डिजीज़ हो गई है तो उसके लिए जो सौकरात ये है, ये वाइट कैबेज से बनाया जाता है, इसी को खिला के उसकी ये स्कर्वी वाली जो डिजीज़ है इसको दूर किया जाता है। फिर वाइल्ड कैबेज जो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सेवल वर्स है, इसको वाइल्ड कैबेज भी बोलते हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सेलवर्स सेलवेस्ट्रिस, क्या है सेलवेस्ट्रिस, ये कैसी वेराइटी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सेलवेस्ट्रिस ये कैसी है, ये वाइल्ड कैबेज होती है, बोले तो जंगली कैबेज होती है, बहुत कम ग्रो की जाती है। उसके बाद है सवोय कैबेज, जिसका नाम है बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सबुदा, क्या है सबुदा। तो सबुदा जो वैरायटी उसमें ये कैबेज इस टाइप की होती है। नॉर्मल जो कैबेज आप देखेंगे तो उसकी जो वेंस होती हैं ये वाली वेंस उतनी नहीं उभरी होती हैं, लेकिन ये सबोई कैबेज जो होता है इसकी जो वेंस होती हैं ये काफ़ी उभरी हुई होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो कैबेज है, इस कैबेज का जो वेंस है, तो उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए बाहर निकला हुआ ज़्यादा उभरा उभरा हुआ लग रहा है। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी फाउंड इन कैबेज इज आल्सो हेल्प फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यमोन हाइब्रिड। कैबेज की जो आपकी क्रॉप होती है इसमें साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, मतलब कि जो मेल प्लांट होता है, जो मेल पार्ट होता है वो या तो स्टेराइल होगा, या तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है जो प्रोपेग्यूल वाली सेल होती है, रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो स्टेराइल होगा, या तो फिर जो मेल होता है वो स्टेराइल होगा जेनेटिकल रूप से। इसी वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कैबेज में F1 हाइब्रिड का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद अब जान लेते हैं कैबेज की कुछ वेराइटीज़ के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन वाली वेराइटी जो विदेशों से भारत में आई हैं। पहले विदेशों में ग्रो की जाती थी, फिर बाद में जब वहाँ अच्छा उनका प्रोडक्शन हुआ तो उनको इंडिया में भी ग्रो किया जाने लगा। इसमें सबसे पहली जो वेराइटी है गोल्डन एकड़, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। उसके बाद जो दूसरी वेराइटी है वो है कोपेनहेगन मार्केट, कौन सा कोपेनहेगन मार्केट, ये एक अर्ली वेराइटी है। उसके बाद एक वेराइटी है सितंबर, ये भी कैसी वेराइटी है, इंट्रोडक्शन वाली वेराइटी, विदेशों में पहले ग्रो की जाती थी फिर इंडिया में आ गई। कौन कौन सी वेराइटी, गोल्डन एकड़, कोपेनहेगन मार्केट और सितंबर, ये तीन वेराइटीज़ ऐसी हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद एक वेराइटी और है जिसका नाम है अगस्त, ये भी अर्ली वेराइटी है। उसके बाद है ग्लोरी ऑफ, एक है ग्लोरी ऑफ यूनखुजेन। तो ये आपकी कुछ वेराइटीज़ थी जो इंट्रोड्यूस करी गई थी, कहाँ से, विदेशों से। उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं तो उसमें सेलेक्शन वाली वेराइटीज़ हैं, मतलब ऐसी वेराइटीज़ जिनको सेलेक्शन के थ्रू डेवलप किया गया है। उसमें सबसे पहली वेराइटी है प्राइड ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कैबेज, प्राइड ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी बार ये पूछा गया है। अर्ली एंड राउंड वेराइटी होती है प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा अगेती, ये भी एक सिलेक्शन के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है हाइब्रिड वेराइटीज़ का, कैबेज की कुछ हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला है पूसा ड्रम हेड, कौन सी वेराइटी, पूसा ड्रम हेड ए F1 हाइब्रिड वेराइटी है फ्रॉम जापान, ब्लैक इंड और ड्राई रॉट रजिस्टेंट वेराइटी है, यानी कि जो ड्राई रॉट वाली बीमारी लगती है
उसके बाद जो जापान ब्लैक लेग लगता है, जिसमें इसका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है रूट के पास, ग्राउंड पोर्शन, वहां पर ब्लैक ब्लैक टाइप के स्पॉट बन जाते हैं। तो इन दोनों डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है कौन सी? पूसा ड्रम हेड। उसके बाद है पूसा मुक्ता, ये ब्लैक रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसमें ब्लैक रॉट वाली डिजीज नहीं लगती है। उसके बाद है पूसा सिंथेटिक, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, अच्छे से याद कर लेना कौन सी वैरायटी। पूसा सिंथेटिक किसकी वैरायटी है? कैबेज की हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद है पूसा संबंध, ये है सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। जो पूसा संबंध वैरायटी है कैबेज की, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, यानी कि अगर पास पास बैठाना हो, पास पास प्लांटिंग करनी हो, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। वाइड एडाप्टेबिलिटी होती है इसकी, यानी कि पूरे भारत में लगभग सब जगह पर इसको ग्रो किया जा सकता है। अर्ली मैच्योरिंग होती है और एक ये सिंथेटिक वैरायटी होती है। समझ गए बात? फिर अगला जो पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड, मतलब कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा निकाला गया है। उसमें पहला है क्विस्टो, फिर दूसरा है श्री गणेश, श्री गणेश गोल, फिर उत्तम और बजरंगी। ये कुछ वैरायटीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर से निकाली गई है। ग्रीन बॉय एंड ग्रीन एक्सप्रेस, ये हॉट वेदर हाइब्रिड वैरायटी है, जिसको 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है सुधा, स्टोन हेड, ग्रीन चैलेंजर, ये सब जो वैरायटीज हैं, ग्रीन कॉर्सन, और उसके बाद सवर्ना, विशेष, ये सब वैरायटीज जितनी हैं, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की डेवलप की गई वैरायटीज थी। उसके बाद है कैबेज ग्रोन इन सैलाइन सॉयल इज मोर प्रोन टू ब्लैक लेग डिजीज, मतलब ऐसी कैबेज जिसको सैलाइन सॉयल में ग्रो किया जा रहा है, वहां पर ब्लैक लेग डिजीज लगने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक, कैसी जगह पर? अगर हम कैबेज को ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जो सॉयल सैलाइन है, तो इसकी वजह से ब्लैक लेग डिजीज लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद है ए स्प्रे ऑफ ट्रिपल सी और SADII। ये ट्रिपल सी का जो फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं साइकोसेल, एक हार्मोन होता है जिसको यूज किया जाता है, इंक्रीजेस द लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट इन कैबेज। जब ठंडी में टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी लो टेम्परेचर हो जाता है, तो कैबेज की जो क्रॉप है उसको ज़्यादा हानि ना हो, ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, इसकी वजह से साइकोसेल नाम का हार्मोन कैबेज पर स्प्रे किया जाता है। कैबेज प्रोड्यूस सीड इन टेम्परेट एरियाज ओनली, कैबेज के जो सीड का प्रोडक्शन होता है वो केवल टेम्परेट एरियाज में होता है। वैसे जो कैबेज है ये पूरे भारत में ग्रो की जाती है, लेकिन इसका जो सीड प्रोडक्शन है या इसका हाइब्रिडाइजेशन या रिसर्च वाला जो काम है, वो कहाँ पर अधिकतर किया जाता है? केवल टेम्परेट एरिया में किया जाता है। कैबेज बियर्स सीड इन स्पेशल काइंड ऑफ बाई कैटरपिलरी पॉड कॉल्ड सिलिकुआ। बाई कैटरपिलरी अभी मैंने बताया कैसे होता है, बाई कारपिलरी, कैटरपिलरी नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, बाई कारपिलरी, सिलुकुआ टाइप का इसका सीड होता है। कैसे होता है, कैसे मॉर्फोलॉजी होती है, मैंने सब अच्छे से डिटेल में बता दिया है, तो उसी में यह सीड इसका कैबेज का लगता है। द पॉपुलरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड कल्टीवर इन कैबेज इज ड्यू टू कंपेरेटिवली इजियर एंड चीपियर मेथड ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। अभी मैंने बताया कि इसमें जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, ये दोनों क्या करते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो F1 हाइब्रिड बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। पूसा अगेती जो वैरायटी है, ये फर्स्ट ट्रॉपिकल वैरायटी है जो डेवलप की गई है कल्टीवेशन अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशन। ये पूसा अगेती ऐसी वैरायटी है, ऐसी ट्रॉपिकल वैरायटी है जो हायर टेम्परेचर कंडीशन में अच्छे से ग्रो की जा सकती है। फिर सितंबर जो वैरायटी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मनी और पॉपुलर है नीलगिरी हिल्स में।
यानी कि इंडिया का जो नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है वहाँ पर इसको अच्छे से ग्रो किया जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मनी से। कौन सी वैरायटी को? सितंबर। किसकी वैरायटी है? कैबेज की वैरायटी है। किस टाइप की वैरायटी है? इंट्रोडक्शन वाली वैरायटी है। कहाँ से आई है? जर्मनी से आई है। सीडलिंग, सोइंग सीड इन थर्मोकोल प्लेट्स फॉलोड इन कैबेज। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो सीड होता है कैबेज का, इसको कैसे जर्मिनेट कराते हैं, यानी कि जर्मिनेट कराने के लिए, कैबेज के सीड को जर्मिनेट कराने के लिए कौन सा मीडियम यूज करते हैं? तो थर्माकोल की प्लेट यूज करते हैं कैबेज के सीड के जर्मिनेशन के लिए। ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ कैबेज वराइटीज इज अरेस्टेड व्हेन टेम्परेचर अराइज अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कैबेज की क्रॉप में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर हो जाए तो इनकी जो ग्रोथ होती है ये रुक जाती है, रोक ली जाती है, यानी अरेस्ट कर ली जाती है। अर्ली जो वैरायटी है कैबेज की ये 60 से 80 दिन के अंदर में तैयार हो जाती है, और इसकी जो लेट वैरायटी है वो लगभग 100 से 120 दिन लग जाता है। मतलब बात ऐसे समझो कि जो अर्ली वैरायटी है वो लगभग कितने महीने में तैयार हो जाती है? लगभग 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाती है, और जो लेट वैरायटी है वो 3.5 से 4 महीने के अंतर पर तैयार होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। कैबेज की आपकी जो क्रॉप थी ख़त्म हुई। आगे कल वाली लेक्चर में हम बात करेंगे कैलीफ्लावर की क्रॉप के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।